वेरिएबल अच्छा ये बताओ, कोई बेटा इलेक्ट्रॉन है, एटम है, कोई एटम है, मान लिया ये एटम है, इसके पास ये दो सेल हैं, ठीक, मान लिया दो ही सेल हैं, सेल तो पता है ना सबको, ऑर्बिट सेल। यस अब ये बताओ इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका, इसको कहते हैं हम वैलेंस सेल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस वैलेंस सेल, जो आउटर मोस्ट सेल, या इसका नाम है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल, ओके, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे दैट आर दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वैलेंस सेल आर नोन एज, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल है, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के जस्ट अंदर वाला जो सेल होता है बेटा, जैसे ये है, जो वैलेंस सेल के जस्ट अंडर वाला सेल होता है, दिस सेल इज नोन एज, किसी को पता है, एनुल्टीमेट, पी साइलेंट रहता है, पी साइलेंट रहता है इसमें, एनुल्टीमेट जो होता है, या पेनुल्टीमेट भी कहते हैं बहुत लोग, बहुत लोग साइलेंट करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसके जस्ट अंदर वाला सेल, जस्ट पहले वाला सेल, लास्ट के जस्ट पहले वाला सेल पेनुल्टीमेट सेल होता है, ओके, ये सेल वैलेंस सेल एंड दिस सेल इज पेनुल्टीमेट, ओके। अब इसके अंदर, अब ये बताओ कि वैलेंसी क्या होती है, पढ़ा है ना वैलेंसी क्या होती है, यस वैलेंसी क्या होता है, सबने पढ़ा है बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, श्योर टू स्टेनस टू स्टे टू टू अटेन अ बिकम स्टेबल, कैपेबिलिटी टू अटेन स्टेबिलिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भूल जाते हो आप लोग हैं, ये गलत बात है कृष्णा, सर भूल जाते हो क्या, सर मैंने बोला ही नहीं है कुछ दैट तो इसीलिए तो कह रहे हैं, बोलो ना, नहीं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एटम कैन गेन और लॉस लूज और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और टू अचीव द स्टेबिलिटी, कुछ भी कह लो, इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो ये बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कोई लूज करेगा या गेन करेगा, या शेयर भी किया तो आउटर करेगा कि नहीं करेगा, इज देयर इज एनी वन जिसको लगता है कि नहीं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अंदर वाला शेयर करेगा, वो सबसे मोस्ट पहले वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो लॉस लूज करेगा या तो गेन भी गेन करेगा, करेगा गेन भी करेगा तो इसी में लाएगा, ठीक है, और या तो फिर शेयर किया तो यही वाला इलेक्ट्रॉन के साथ, कोई भी कुछ भी करेगा तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको हम कहते थे वैलेंसी। लेकिन वेरिएबल वैलेंसी में हम क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी में वैलेंस सेल के साथ साथ पेनुल्टीमेट सेल जो है उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है या गेन होता है या लॉस्ट होता है, बात को समझिए जरा, देयर आर सम एलिमेंट्स, जरा लिखेंगे हम वेरिएबल वैलेंसी में, थोड़ा ध्यान से बेटा, ओहो वेरिएबल वैलेंसी में एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स
less than are present in the less than are present in valence cell. Valence cell में जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन थे उसके valence cell में, लेकिन उसने लूज कर दिए तीन, उसने लूज कर दिए कितने, तीन. valence cell में दो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन उसने लूज किए तीन. अरे भाई साहब, जब valence cell में दो इलेक्ट्रॉन थे, लूज कर दिए तीन, तो बाकी तीसरा जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कहां से किया, वो उसके जस्ट अंदर वाले सेल से, वो उसके जस्ट अंदर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा. ठीक है, तो आर प्रेजेंट, क्या लिखा हमने, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल. दैट इज, मतलब क्या है इसका, दे लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेनल्टीमेट सेल. इस वाले सेल से इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर दिया भाई साहब, इस वाले सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया. ये बहुत कम होता है, वेरिएबल वैलेंसी बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं जो शो करते हैं, सबके साथ नहीं होता बेटा, कुछ ही जो होते हैं वो शो करते हैं, बात को समझिएगा, वो सारे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो इसको शो करते हैं. ठीक है, और ऐसे एलिमेंट्स को जो ऐसा करेंगे, दे एग्जिबिट द वेरिएबल वैलेंसी. अब क्या होता है, अगर मान लो आयरन का एग्जांपल लेते हैं हम, आयरन इज वन ऑफ द मेटल, आयरन इज वन ऑफ द एलिमेंट और द मेटल विच हैज द वेरिएबल वैलेंसी. एग्जाम्पल आयरन. आयरन का सिंबल क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? Fe. वेरी गुड. आयरन का सिंबल होता है Fe. एटॉमिक नंबर. किसी को पता है आयरन का? कोई भी है जिसको पता है एटॉमिक नंबर आयरन का? 26. कौन बोला पहले? एंजल. याद किया है? यस, 30 तक. बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. 29 किसका है? कॉपर. वेरी गुड. बहुत वंस आपको भी याद है? यस सर, हमने तो सर 40 तक कर दिए. अच्छा, 24 किसका होता है? 24 क्रोमियम. क्रोमियम. बहुत होशियार बच्चे हैं यार आप लोग तो. हमने 20 तक कहा था, आधे तक आगे बढ़ गए. मैंने बोला क्रोमियम. लक्ष्य गुप्ता सुन लिया हमने. कृष्णा. यस सर. 22 किसका होता है सर? मैंने भी याद नहीं किया. टाइटेनियम. 27 कोबाल्ट. वेरी गुड. तो आयरन जो होता है Fe, एटॉमिक नंबर 26. अब जिसको याद नहीं करना है ना, तो जब ऐसे एलिमेंट्स आएंगे तो उनको एक बार वो दिमाग में पिंच कर लेगा. यहाँ पे 26 लिख के ब्रैकेट कर देना, याद रहो, मतलब वो जब जब कॉपी देखोगे याद हो जाएगा. तो आयरन इज Fe. आयरन सोज वेरिएबल वैलेंसी. कॉपर ऑल्सो सोज वेरिएबल वैलेंसी बेटा. ओके, मर्करी ऑल्सो सोज वेरिएबल वैलेंसी एसेक्ट्रा. मैग्नीज Mn ऑल्सो शोज द वेरिएबल वैलेंसी. ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. अब इनका नाम बदल जाता है अगर ये, कब कौन सी वेरिएबल शो करते हैं वैलेंसी, कौन सी वैलेंसी कब शो करते हैं, उनके ऊपर इनका नाम होता है. ठीक है, व्हेन दे आर शोइंग विच वैलेंसी ऑन दैट बेसिस दिस नेम इज रिटन, या नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन. सपोज आयरन इज, एग्जाम्पल आयरन हमने लिया. एग्जाम्पल आयरन इज Fe. आयरन इज शोइंग इट हैज टू वैलेंसी, वन इज +2 एंड वन इज +3. ओके, इट शोज टू वेरिएबल टू वैलेंसीज
इट हैज वेरिएबल वैलेंसी ऑफ प्लस टू एंड अ प्लस थ्री. जब ये प्लस टू में होता है बेटा, जब प्लस टू होता है किसी का तो उसको हम लोग कहते हैं लास्ट में ओ यू एस आ जाता है. क्या आ जाता है? ओ यू एस. तो इसका नाम हो जाता है फेरस. क्या नाम हो जाता है? So, आपने हम लोग 20 तक जो मतलब 210 और 18 नोबल गेस बताए थे. हाँ. तो वो 30 तक और बता दीजिए सर, क्योंकि आयरन भी 30 के बीच में आ रहा है. 30 का पूरा 118 तक ले लो. 2 है, 10 है, 18 है, उसके बाद कुछ नहीं करना है. टेबल पढ़ दो. 18 टू जा 36. टेबल पढ़ता है ना 18 का? 36. 18 3 जा 54. हो गया 54 तक. ठीक है? Yes, sir. अरे 18 का टेबल पढ़ दो, मजाक थोड़ी कर रहे हैं. यही है 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, इसके बाद आता है 86. ओके. इसका नाम जल्दी से लिख लो, इसको मैं हटा देने वाला हूँ, हटा दूंगा. इसका नाम क्या है 36 का? क्रिप्टॉन. इसका नाम है ज़ेनॉन. और इसका नाम है रेडॉन. रेडॉन. ओके. सब ऑन है. ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन. सर बस ये इतने ही 6 होते हैं बस. अब एक और है 118 वाला. Yes. ये तो रेडियो एक्टिव है, कोई मतलब नहीं है. यही है इतने. ठीक है, नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, जब भी बेटा नाम आएगा, जब भी कोई भी वेरिएबल वैलेंसी अपनी प्लस टू की शो कर रहा है तो वो हो जाएगा फेरस. उसके नाम के लास्ट में ओ यू एस. और जब भी ला वेरिएबल वैलेंसी प्लस थ्री होगी उसके नाम के लास्ट में आ जाएगा, उसके नाम के लास्ट में आ जाएगा फेरिक. क्या हो जाएगा? फेरिक. आई सी आ जाता है. एफ सर आर आई सी. फेरिक. फेरिक ऑक्साइड. ओके. सपोज दैट यू हैव अ कंपाउंड. सपोज दैट यू हैव अ कंपाउंड. सपोज दैट आपको बोल रहा है कि बनाइए आयरन क्लोराइड. तो आयरन क्लोराइड ऐसे हो सकता है, एफ ई सी एल टू भी होता है और एफ ई सी एल थ्री भी होता है. ठीक है. दिस इज फेरस क्लोराइड. फेरस क्लोराइड एंड दिस इज फेरिक क्लोराइड. फेरिक क्लोराइड. ऐसे ही मान लो कि एफ आपको बोला. आयरन ऑक्साइड भी दो तरह के होते हैं. आयरन के ऑक्साइड भी दो, एफ ई टू ओ थ्री एंड एफ ई थ्री ओ फोर. ठीक है. अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, कैसे निकालोगे? इस एफ ई के ऊपर कितना वेरिएबल वैलेंसी ये शो कर रहा है, एफ ई टू ओ थ्री में उसके वैलेंसी कितनी है? हाउ कैन यू शो दैट? हाउ कैन यू शो What is the valency of Fe in Fe2O3? Any one of you, Angel? कोई बताएगा मेरे को? Hearts, ones, how? Any one of you? No, sir. Any one of you, sir, please. हाँ. I. बताइए लक्ष्य, बताइए लक्ष्य. Sir, Fe की valency क्या होती? Iron की. अरे हो तो क्या, यही तो है valency, plus two और plus three. दोनों में से कौन सी है, किसमें कैसे पता चलेगा? इन दोनों में कितनी है, जरा कोशिश करेगा कोई मेरे को बताइए जरा. किसी को नहीं आ रहा तो हम बताएं फिर. प्लस टू. प्लस टू. किसमें प्लस टू है? दोनों में सर. प्लस टू सर. आई थिंक एफ ई में सर. एफ ई. एफ ई. यस. एफ ई तो दोनों में ना. अरे यार आई थिंक वाली बात ही नहीं आता है. नहीं आता है सर. आप बता दीजिए. हम तो बताएंगे. आई एम सिटिंग हियर ओनली. ओके. लेकिन हम भी सोच रहे थे कि अगर किसी को
ऐसा लगता है कि नहीं कर सकता है तो मैं टाइम दिया 2 मिनट का, लेकिन गलत कोशिश नहीं करेंगे। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, किसी के ऊपर चार्ज निकालना बहुत आसान है अगर एक का पता है तो। अगर एक का पता है जिसका वेरिएबल नहीं होता है तो दूसरे वाले की वेरिएबल हम निकाल सकते हैं कैसे, वेरी इजी। देखो जरा मेरे को बताओ, मेरे को बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्या कोई? अरे बोलो ना, जो आंखों से दिखता है वो तो बोला करो, Fe2O3 के इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्या प्लस का या माइनस का या कुछ नहीं का है? नो सर। नो सर, मतलब इसका ये न्यूट्रल है, ये क्या है? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज इट नॉट सर? द टोटल चार्ज ऑन इट इज जीरो, मींस टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज जीरो। जीरो। अब ये बताओ मेरे को आप लोग कि ऑक्सीजन का वेरिएबल वैलेंसी तो नहीं होता है, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है? टू, माइनस टू, नहीं टू गेन करता है ना? यस सर। ऑक्सीजन क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करता ये है। क्या बनता है? ओ टू माइनस बनता है। यस सर। एनायन बनता है कि नहीं बनता है बेटा? यस सर, यस सर, एनायन बनता है। तो अब ये बताओ मेरे को, जब एक ऑक्सीजन दो गेन कर रहा है तो तीन ऑक्सीजन कितने गेन करेंगे? सिक्स। सिक्स बार कौन थ्री बोला? एंजेल। ओ एंजेल, यस सर, थ्री होगा। सिक्स एंजेल बोलो। नो सर। अरे म्यूट क्यों कर ले रही हो अच्छी, बताओ ना आप कितना होगा? सब पता नहीं। अरे यार तो म्यूट मत करो, पहले सुनो, बात करो हमसे जरा सुनो। अभी ये कह रहे हैं हम कि एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन, अनम्यूट करो एंजल, एक इलेक्ट्रॉन, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है एक ऑक्सीजन, तो तीन ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? If one electron, if one oxygen gains two electron, तो three oxygens, how many electron they will gain? It's simple, very good. Okay sir. एक oxygen को दो चाहिए, तो तीन oxygen को छह चाहिए, तो एक oxygen के ऊपर minus two आ रहा है, तो total कितना charge होगा तीन oxygen के ऊपर? Minus six. आ बाबा, इतना आसान था और इतना आप लोग वो कर रहे हो, minus six. और जब इसके ऊपर माइनस सिक्स है, सोचो अगर इसके ऊपर माइनस सिक्स है और ये टोटल के ऊपर कितना होना चाहिए? अगर टोटल चार्ज जीरो है तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए बेटा? प्लस सिक्स। प्लस सिक्स होगा कि नहीं होगा? तभी तो जीरो आ रहा है टोटल, टोटल चार्ज जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस सिक्स, तो इसके ऊपर प्लस सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो। इज देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस टू एनी वन ऑफ यू? किसी को कोई प्रॉब्लम लग रहा है क्या इसमें? नो सर। कृष्णा? नो सर। नो सर। वंस? नो सर। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताओ कि जब दो Fe के ऊपर, दो Fe हैं, उनके ऊपर टोटल चार्ज प्लस सिक्स आ रहा है, तो एक Fe के ऊपर कितना चार्ज होगा? सिक्स बाई टू कितना? थ्री। तो प्लस थ्री वाला है यहाँ पे, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड होगा। बात समझे? यस सर। एंजल बात समझ में आया बेटा? यस सर। आदित्य लिदोरिया समझ में आया? Yes, पक्के में सबको? एनी वन ऑफ यू जिसको दिक्कत हो रही हो जल्दी बताएगा मेरे को? नो no, सर। अब जरा इसको चेक करो अपने से जल्दी से, सेकंड वाला ना? हाँ चेक करो अपने से आप लोग, एफ ई थ्री ओ फोर का क्या है एफ ई के ऊपर? ये भी न्यूट्रल है। हम्म, न्यूट्रल
क्या कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं ये भी न्यूट्रल है क्या? हाँ तो और क्या, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल तो होगा ही बेटा। वही तो, जब कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल तो होगा ही, आंखों से नहीं दिख रहा है कोई चार्ज। सर ऑक्सीजन पे माइनस एट है और Fe पे प्लस एट है तो न्यूट्रल हो जाएगा। अरे वो कह रहा ऑक्सीजन है, क्या कह रहे हो आप लोग? सर फेरस ऑक्साइड एट आएगा चार्ज, मतलब ऊपर माइनस एट, और फिर उस पर Fe पर प्लस एट आएगा तो न्यूट्रल। अच्छा तो एक Fe के ऊपर क्या चार्ज है? क्या सर? सर फोर प्लस है यहाँ पे, वन Fe के ऊपर कितना निकाला हमने, प्लस थ्री निकाला कि नहीं निकाला? Yes, sir. जब दो Fe के ऊपर प्लस सिक्स तो एक Fe के ऊपर प्लस थ्री, तो Fe थ्री यू फोर में कितना आएगा एक Fe के ऊपर? सर फोर, फोर आएगा। Yes, sir. पक्का? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. एंजल आपका आ रहा है कुछ? नो सर। अच्छा और वन साहू आपका? 2.66666666 कौन है ये 66666 वाला? सर मेरा तो 4 है। जरा जे बताओ, लक्ष्य सही बोल रहा है बिल्कुल। देखो जरा ये बताओ मेरे को कि Fe3 और 4 के पास टोटल चार्ज जीरो है? यस सर। टोटल चार्ज कुछ तो है नहीं? नहीं। टोटल चार्ज जीरो, आंख बंद करके लिख लो, टोटल चार्ज जीरो। अब ओ कित, ओ का पता है हमें, ओ का हमें दिमाग नहीं लगाना है, ओ का पता है। तो एक ऑक्सीजन का माइनस टू तो चार ऑक्सीजन का कितना हो गया? माइनस एट। तो माइनस माइनस एट, वेरी गुड। अब जब चार ऑक्सीजन का माइनस एट हो गया तो इसका टोटल चार्ज माइनस एट, तो इसका टोटल चार्ज तीन Fe का तीन Fe पे कितना होना चाहिए? प्लस एट। तो एक Fe पे कितना होना चाहिए? एट बाई, बताओ जरा, 8/3 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Why not? 2.66, 2.67 हाँ मतलब ये बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? Yes, sir. किसको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए? एनी वन ऑफ यू थिंकिंग दैट ऐसा नहीं हो सकता? सर मुझे लग रहा है। अच्छा किसको, क्या नाम है? वंश। वंश को लग रहा है बेटा ऐसा ही होगा। अब ये बताओ मेरे को, जस्ट थिंक FeO दिया है आपको, इसके अंदर क्या होगा Fe के ऊपर? सर समझ में नहीं आ रहा है वाला। FeO क्या है? सर ये भी न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल। अबे यार जब चार्ज कोई दिखेगा नहीं मतलब न्यूट्रल है। जब चार्ज दिखेगा ही नहीं तो न्यूट्रल है, सीधी सी बात। ये तो आंख बंद करके करने वाला क्वेश्चन है। नहीं सर आंख बंद होगी तो देख नहीं पाएंगे। देख नहीं पाओगे? अरे मतलब समझो ना हमारा कहने का। अरे सर, सर बताइए सर। समझ भी नहीं आया। समझ भी नहीं आया, चलो कोई बात। अरे समझने के लिए तो बैठे हैं। टू आएगा Fe का वो। टू, वेरी गुड। क्या टू प्लस टू? यस प्लस टू। यस सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होगा? माइनस टू, तो ये कितना होगा? प्लस टू, तो जीरो। यस सर। यस सर बताओ Fe सर आ गया। नहीं समझते रहे हो ना? नो सर आ गया बोल दे कृष्णा।
अब जरा ये बताओ मेरे को, कॉपर के लिए भी हमने बोला था, तो कॉपर जब वेरिएबल वैलेंसी 2 होगा तो उसको क्यूप्रस कहेंगे, क्या कहेंगे? क्यूप्रस। 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 जब 3 होगा तो क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। वेरी गुड। तो कॉपर के केस में भी प्लस 1 होता है और प्लस 2 होता है, ठीक है? यहाँ पे प्लस 1 होता है और प्लस 2 होता है, इसके केस में इसको कहते हैं क्यूप्रस, और इसके केस में इसको कहते हैं क्यूप्रिक, ठीक है? जैसे एग्जांपल Cu2O, यहाँ पे क्या होगा, और CuO यहाँ पे क्या होगा, जरा दोनों में देखो चार्ज कितना आ रहा है। पहले में कितना आ रहेगा कॉपर के ऊपर? 2। एक कॉपर के ऊपर, एक कॉपर के ऊपर सर 2। अरे बाबा, ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। तो Cu2 का टोटल मिला के कितना होगा? +2। तो एक, अब दो कॉपर का +2 है तो एक कॉपर का कितना होगा? +1। यहाँ पे +2। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ऐसे ही मरकरी होता है, मरकरी के मर्क्यूरस होता है और मर्क्यूरिक होता है। क्या होता है मरकरी का सिंबल, क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? एंजल जी। वेरी गुड। मरकरी का सिंबल होता है Hg। कितना होता है, क्या होता है? Hg। Hg। हाँ जी Hg। हाँ जी, ठीक है। Hg का भी +1 होता है और +2 होता है। जब +1 होता है तो उसको कहते हैं मर्क्यूरस। 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 सर ऐसे सिल्वर का होता है Ag। Ag। Og है। मर मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक। यहाँ क्यूरिक मरेगा, यहाँ पे मर्क्यूरी, ठीक है? तो क्यूरस मर्क्यूरस में +2 +1 और मर्क्यूरिक में +2। इसका एग्जांपल Hg2O। Hg2O इसका होगा HgO। ओके। यस सर। ठीक 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 है सर, ठीक है सर। क्या क्या पढ़े हम लोग, क्या क्या बता रहे हो सर आप। चलो ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, जो आप फॉर्मूला बनाना सीखे हो, जो भी सीखे हो, जैसे भी सीखे हो, क्रिस क्रॉस या कुछ भी सीखे हो, अच्छा क्रिस क्रॉस मेथड, अगर मैं थोड़ा सा, कोई बच्चा मेरे से पूछा था जब मैं पढ़ा रहा था कि सर क्रिस क्रॉस मेथड जो है उसके अलावा अगर हमको कॉन्सेप्ट समझना हो तो कैसे समझेंगे? मतलब क्रिस क्रॉस तो एक मेथड होता है ना, कि इसके सर पे उसकी टोपी उसके जूते में डाल दी और उसकी टोपी उसके जूते में डाल दी। नहीं समझे? यस सर। मतलब अदर बदल कर दिया सर, अदर बदल कर, एक का बैलेंसी दूसरे के पर पैर में रख दिया, दूसरे की बैलेंसी दूसरे के पैर में। तो ऐसे करके हम लोग कर रहे थे, एक मेथड था। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस से सोचे जरा, अपने कॉमन सेंस से, तो वो भी एक कॉमन सेंस भी एक कॉन्सेप्ट दे देगा जिससे आप फॉर्मूला बना लोगे, अगर बाई चांस कभी क्रिस क्रॉस गड़बड़ करता है तो। जरा सोचो, हमको जरा सोचो कि आपको क्या करना था, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना था, ठीक है? सपोज दैट हमको बोला कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ, अब बच्चा क्रिस क्रॉस भूल गया, बच्चा जो है क्या भूल गया? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस भूल गया। अब वो क्या करेगा? कुछ नहीं करना है बेचारे को, एल्यूमिनियम लिखना है इधर, इधर क्लोरीन लिखना है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन। यस सर। बस अब लिख लिया बच्चे ने, बच्चे ने एटॉमिक नंबर याद नहीं किया तब तो कुछ नहीं कर पाएगा, तब तो भगवान भरोसे है वो। एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए उसको, एटॉमिक नंबर अगर याद है तो उसके हिसाब से वैलेंसी लिख लेगा वो। तो वैलेंसी यहाँ पे कितनी लिख लेगा, कितनी लिख लेगा एल्यूमिनियम की? 13। वैलेंसी बेटा, वैलेंसी। अच्छा एटॉमिक। यस सर। 3 लिख लेगा, 3 लिख लेगा, ठीक है? 3। और क्लोरीन का 1 माइनस 1 माइनस 1 लिख लेगा, ठीक है? अब क्या कह रहा है एल्यूमिनियम कि भाई साहब मैं इलेक्ट्रॉन कितने दूंगा,
कितने तीन। वो कह रहा है कि मैं एक दो के चक्कर में नहीं हूँ, मैं दूंगा तो तीन, नहीं तो नहीं दूंगा। सीधी सी बात ले लेगा वो। ये बोला कि मैं दूंगा तो तीन दूंगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो तुम तेल लेने जाओ, हमको नहीं मतलब कोई। यस सर। ये क्लोरीन कह रहा है कि भाई साहब हमें एक दे दो तुम, बस हमें एक की जरूरत है। हाँ। ये हाथ पैर जोड़ रहा है उसके, कह रहा है कि हमें एक दे दो, हमें एक की जरूरत है। ये कह रहा है कि देंगे तो तीन देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो अब क्या बोला, अब एल्यूमिनियम ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो तुम अपने जैसे दो भिखारी और लेके आओ जिसको एक एक चाहिए। ठीक है, तो ये गया अपना घुमा फिरा और दो क्लोरीन और लेके आया। कितने क्लोरीन? दो। अब भैया अब वो तो अड़ गया है, कौन ये एल्यूमिनियम तो अड़ गया, दूंगा तो तीन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। तो एक भैया ये गए और दो क्लोरीन और लेके आए, तो टोटल कितने क्लोरीन हो गए? तीन। अब एल्यूमिनियम खुश हो गया, आप कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं तीनों लोग एक एक ले लो, मैं दे दिया, अब तीनों लोग एक एक ले लो, तो ये सब मिल के क्या बनेगा? AlCl3। AlCl3। बात समझ में आई? यस सर। सर क्रिस क्रॉस इजी है। हैं? क्रिस क्रॉस। देखो भैया आपको तो हम बता दिए दोनों, अब आपको जो इजी लगे वो कर लो। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप कर लो। हाँ बोलिए, कौन पूछ रहा है? वंस पूछो। कुछ नहीं सर, मैं यस सर के। कोई एकदम ढीला सा बैठा है, चुपचाप एकदम धीरे धीरे बोल रहा है, कौन है? एक्टिव रहा करो यार, एक्टिव रहोगे तो। नहीं तो जरा जे बताओ मेरे को, मेरे को बोला कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो एल्यूमिनियम कितना देने के लिए बोल रहा है? थ्री। और फॉस्फेट कितना लेने के लिए? तीन। थ्री। तो दोनों खुश? यस सर। दोनों भैया हाथ मिला लेंगे खटाखट। एएलपी फोर एएल वो भी कुछ हमने कुछ खटाखट हाथ मिला लेंगे। कोई भी ये कह रहा है मेरे को तीन देना है इसको, तीन चाहिए। अरे यार अब इससे बढ़िया कहा है? पीओ फोर कहाँ से आया है? पीओ फोर फॉस्फेट है ये बेटा। फॉस्फोर। ये फॉस्फेट। फॉस्फेट बताया था ना उस दिन रेडिकल में। रेडिकल में बताया था फॉस्फेट के ऊपर कैसे माइनस थ्री आता है। याद करो, याद रखो आप लोग चीजों को, याद नहीं रखोगे तो बहुत समस्या। सर हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट सल्फेट कार्बन बताया था। हाँ फॉस्फेट भी उसी में होगा। नहीं बताया था। अच्छा नहीं बताया था तो इसीलिए तो बता दिया। करो जरा करो जरा फॉस्फेट का पीओ फोर में क्या चार्ज आएगा। एक फॉस्फेट चारों तरफ से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाँ सर, ये आपने समझाया था, ये बताया था सर आपने। सर पी फंस गया और बेचारा ऑक्सीजन तो चाहिए। तो पी कितना देगा सर? तीन। ए सॉरी, टोटल ऑक्सीजन को कितना चाहिए सर? एट। एट। और फास्फोरस कितना दे पाएगा अधिक से अधिक सर? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर अरे मतलब सिक्स दे पाएगा। एटॉमिक नंबर कितना है फास्फोरस का? 15। इधर वाला हीरो 18, इधर वाला हीरो 10, तो ये ले तो पाएगा नहीं, देगा। क्या करेगा? देगा। कितना देगा? फाइव। फोर। कितने की कमी है? फाइव देगा यार। कितने की कमी? हाँ फाइव। सर वन। वन की कमी? नो सर। भाई साहब दो इसको चाहिए, दो इसको चाहिए। थ्री 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 थ्री। थ्री की कमी तो माइनस थ्री चार्ज दे दिए। हाँ सर बताया था। यस सर। सर हाँ आया था सर। तो आगे करो, चलो बताया तो था, हम बहुत कुछ बताते हैं लेकिन आप लोगों को याद। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ना बेटा, H3PO4 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इन सब फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर एंड केमिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर और केमिकल
फॉर्मूला फॉर्मूला मॉलिकुलर और केमिकल फॉर्मूला वेरी गुड मॉलिकुलर और केमिकल फॉर्मूला इज ऑल्सो ये क्या होता है इसको अगर लिखेंगे हम लोग इट इज सिंबल टू डेनोट द एलिमेंट और कंपाउंड कोई भी एक सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन किसी कंपाउंड का ओके सपोज दैट अ कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम लिख दिया केवल ऐसे नाम लिख दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे लिख दिया लेकिन इसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फॉर्मूला से वो होता है AlCl3 और ये इसका ना है केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इट ओके यस सर मेथड यस सर पॉजिटिव ठीक है यस सर अब सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कुछ इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट और डिनोट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड ठीक है सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला What is the importance of the chemical or molecular formula? Basically, kya hai importance? Pahla point. Kya hai ki jo ye formula hai, ye pure molecule ko represent karta hai. Theek hai? The main thing is that the molecule or the molecular mass. Achha, ye batao, atomic mass ka concept aap logo ko pata hai kya? बताया क्या एटॉमिक मास या मास नंबर बताया क्या आप लोगों को हाँ सर हाँ यस सर नहीं बताया है कैसी बात कर नो सर सर बताया ऐसे शुरुआत में लिखा है मेरे पास मास नंबर बताया होगा एटॉमिक मास नहीं बताया होगा हाँ सर लेकिन आप दोनों बता सर नहीं मास सर लेकिन आप एक बार दोनों बता दीजिए नहीं बताया वही तो मैं कहूँ कैसे बता दिया हमने मास नंबर बताया एटॉमिक नंबर नहीं सर मास नंबर भी दोबारा से बता दीजिएगा हम सब बता देंगे दोबारा से काहे परेशान हो ठीक है लेकिन शर्माती पहले है क्या बताता है कोई भी मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंस जैसे लिखा है AlCl3 मान लो ऐसे लिखा है तो इससे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या बता रहा है हमको कि एल्यूमिनियम का एक एटम है और क्लोरीन का तीन है क्लोरीन का कितना है तीन तो ये इससे हमको नंबर पता चल जाता है सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ये है कि उससे हमको नंबर भी पता चल जाता है कि कितने कौन से क्या है द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम Different atoms present in molecule. ठीक है The respective number of ये पता चल सकता है हमको आसानी से देख के खूब आसानी H2O में क्या है H2O is the chemical formula or molecular formula of water. ओके तो हमको पता चल जाता है कि उसमें दो आइटम है हाइड्रोजन के और एक आइटम है ऑक्सीजन का इज इट नॉट यस सर अब क्या है इसमें रेशियो भी पता चल जाता है द रेशियो ऑफ द रेशियो रेशियो पता है आप लोगों को क्या होता है
सर हाँ रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव मासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड प्रेजेंट इन कंपाउंड जरा ध्यान देना. देखो रेशियो का मतलब क्या कहना चाहता है हमसे, जरा ध्यान से देखना. ध्यान दो देखो क्या कह रहा है हमसे बेटा. रेशियो का मतलब ये है कि मान लो आपके हो एग्जाम्पल के लिए बोला H2O. पहली चीज तो आपको ये पता चल गया इस फॉर्मूला से. वो पिछला पेज दिखाना. हो गया. यस सर. क्या कह रहा है देखो, मान लो ये हमने फॉर्मूला लिखा, ये केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, वाटर का. अब इसमें हमको देख के पता चल गया पहली बात की सिग्निफिकेंस क्या है इस फॉर्मूला का. इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस मतलब कि इम्पोर्टेंस ये है कि आंखें देख के, आंखों से हम बता सकते हैं देख के कि इसमें दो आइटम है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एक आइटम है. ठीक है. अब ये भी हम बता सकते हैं कि इसका रेशियो क्या है मास का, क्योंकि जरा लिखो देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H इज 1 ग्राम. क्या होता है अभी हम बता दे रहे हैं कैसे होता है, हम अगली क्लास में बताएंगे कैसे 1 आए, कैसे 2, कैसे क्या है. ठीक है. अभी हाइड्रोजन का कितना 1 ग्राम, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट का हाइड्रोजन का 1, एटम्स का ऑक्सीजन का O का होता है 16 ग्राम. ठीक है. नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम. ये भी याद करना नहीं, अब हम एक ट्रिक भी बता देंगे जरा समझ दो. कार्बन का होता है 12 ग्राम और ऐसे करके ना लिख लो, ऐसे करके लिख लो. जरा हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखना. सिंपल ट्रिक बता दे रहे हैं. हाइड्रोजन है, कार्बन इंपॉर्टेंट जो ज्यादा ही आएंगे वो हाइड्रोजन के बाद सीधे आ जाता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सल्फर और क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा आएंगे. ठीक है. जरा देखो हाइड्रोजन का कितना बताया 1 ग्राम, ग्राम में लिख दिया हमने. ठीक है. हम डिटेल में बताएंगे क्योंकि ये पूरे 1 घंटे का लेक्चर होगा, तो उसमें हम बता देंगे आपको कैसे क्या होता है. कहां से मार्क. कार्बन का होता है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है कितना, नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, सोडियम का होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम, एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम, सल्फर का होता है 32 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम. अब सर ये भी याद करना पड़ेगा. नहीं बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है. क्यों कि जरा देखो एटॉमिक नंबर याद है ना, बस काम खत्म. yes, काम खत्म है तुम्हारा. हम तो कहे थे कि एक ही चीज याद कराएंगे तुमको हम. देखो जिसका एटॉमिक नंबर हो ऑड में, बात को ध्यान से सुनना, जिसका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, ऑड एटॉमिक नंबर इवन नंबर पता है ना, पता है. yeah. अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो उसका जो एटॉमिक मास होगा इफ, जरा लिख लेंगे इसको, इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड देन एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, जेड से. सर
तो एटॉमिक मास उस समय निकालेंगे हम 2 इंटू जेड प्लस 1। एटॉमिक मास जो निकलेगा 2 इंटू जेड प्लस 1, कुछ इसमें कुछ के ऊपर फॉलो नहीं होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन और अगर हमारा इफ एटॉमिक नंबर इज इवन देन एटॉमिक मास इज ट्वाइस द एटॉमिक नंबर 2 इंटू जेड। जरा देख लो बेटा सभी लोग जरा देख लो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना 1। इसमें केवल फॉलो नहीं होगा, इसमें 1 का 1 रहेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 क्या है इवन है ना। यस सर। इवन के लिए ट्वाइस कर दो 6 2 12। नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन था 7 है, यहाँ पे भी ट्वाइस ही रखेगा। नाइट्रोजन का हमने बता दिया था कि इसमें फॉलो नहीं होगा, एक्सेप्ट मतलब कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, डबल होगा 16। सोडियम का कितना होता है? ऑड है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो, 23 आएगा, 23 ग्राम। इज इट ओके और नॉट? ओके यस सर। ठीक है, ये ट्रिक yes, हो sir, गया। okay. ये ट्रिक है केवल एक छोटा सा, वो आप याद कर सकते हो। अब आपको बोला कि रेशियो ऑफ, हम क्या निकाल रहे थे, मास, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास। तो अगर H2O के अंदर हमको रेशियो निकालना है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मास का, एटॉमिक मास का, तो कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ O, कैसे क्या होगा, क्या होगा? H2 का कितना होगा? H का कितना होता है? 1। तो H का 1 ग्राम होता है, तो H2 का कितना होगा? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 12 24 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। और क्या लिख सकते हो? सेम नंबर से कट हो रहा है ऊपर नीचे? तो अगर आपको कहेगा कि भाई साहब रेशियो बताइए हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, H2O तो क्या निकालोगे? 1:8। अरे बताओ निकाल लोगे? यस सर। निकालियो जरा, NH3 में N:2 हाइड्रोजन का निकालो जरा। NH3 अमोनिया। इसके अंदर इसको कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। अमोनिया गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अमोनिया में नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का बताओ? 14:3 सर। 14:3 बताओ कितने होशियार बच्चे खटाखट बता रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नो सर, मैं भी तो बता रहा। अरे और बाकी लोग, एंजल का है, समझ में नहीं आ रहा बेटा? आदित्य सर एक बार पहला वाला पेज दिखाना पिछले। एंजल Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा बेटा? सर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है। क्या बात, क्या दिखाए तुम्हें?
पिछला वाला पेज लो। अरे यहाँ पे एच लिख दो, एटॉमिक कंपाउंड H is 2O। यस, अगर आपसे बोल रहा है कि H2O का, अब यहीं पे मैं एक चीज बता दिया, यहीं पे सीख जाओगे खट से। अब बोल रहा है कि NH3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। NH3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। हाँ बताइए क्या करते हैं बेटा भाई, मैं बता देता हूँ एक बार, बस केवल एक हम कर देते हैं इसमें सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। क्या होता है मॉलिकुलर मास? इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। तो NH3 में इसका मॉलिकुलर मास क्या होगा? अब एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 14 होता है। yes, sir. 14 ग्राम yes. प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 15 ग्राम। तो 1 × 3 तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 3 17। हो गया आंसर। H2O का निकला, ये मॉलिक्यूलर मास है सर। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। H2O का निकालो, H2O का निकालो, फिर CO2 का निकालो, फिर CO का निकालो, फिर H2SO4 का निकालो, फिर HNO3 का निकालो, फिर जल्दी इतना निकालो, चलो जल्दी जल्दी निकालो फुर्ती में, एक एक करके नहीं बताएंगे, चैट में आंसर भेजेंगे जल्दी जल्दी। यू हैव टू मिनट्स क्विकली सर। इन सबके सर मॉलिक्यूलर मास बताने हैं, जैसे अभी इसके बताएं। हाँ यस सर। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। सर रेशियो में बताना है सर कि मतलब? अरे बाबा मॉलिक्यूलर मास बताना है, रेशियो नहीं बताना है हमें। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, एक मिनट और बचा है। एंजल राय वेरी गुड, जल्दी भेजो। एंजल किसका भेज रही है तो बताओ। सर फर्स्ट वाले का। गलत है, गलत है, हमें भेज दिया। लक्ष्य का सही है, अरे हर्ष गलत है, वंश गलत है, कृष्णा यादव सही है। कृष्णा यादव सही है, हर्ष गलत है, वंश गलत है, सर एंजल गलत है बेटा। देखो जरा एंजल सही करो। लक्ष्य वेरी गुड, CO2 का सही है। आगे आगे हो बच्चे, लक्ष्य यस सर CO का भेजे। यस सर। कैसे है भाई, गलत है? जल्दी भेजो सर। मैंने भी सेकंड वाला भेजा है। एंजल फिर गलत कर दिया बेटा, हर्ष और क्या उनका सही है, वंश का। जरा देखो एंजल एक बार, देखो कोई बात नहीं बेटा, देखो क्या करेंगे। H का कितना होता है? 1 ग्राम। तो H का 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन है? एंजल बोलो कितने है? 2 है। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? एक ऑक्सीजन का वो एंजल ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 16। तो 16 और प्लस 2 18 होगा ना। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, टाइम हो गया सर।
सर एक्स टू ए से फोर का भेज दिया। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर मैंने आपको सेकंड वाला भेजा था सर 44। व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो जल्दी से, जिसको जिसको जो करना है। एंजेल जल्दी से करो, मैंने सारे भेज दिए। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। मुझे भेजना है फिर से? नहीं नहीं, थैंक यू सर। सर मुझे फिर से भेजना? नहीं नहीं।